हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज वासी। चले देखते हैं कल मार्केट का काउंट कर सकता है, कौन सा स्टॉक ट्रेड कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज अगर हम लोग मार्केट देखेंगे, थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद मार्केट में कंटिन्यूसली एक बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट था। क्लोजिंग थोड़ा सा पॉजिटिव साइड दिया है, लेकिन मॉर्निंग आवर से अगर हम लोग देखेंगे कंटिन्यूसली 5-6 रेड कैंडल बनने के बाद मैं बार बार रखा होता था, थोड़ा सा मैं रिवर्सल के लिए प्लान करता हूँ। और ट्रेंड रिवर्सल में 5 मिनट चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न भी दिखा होगा, एंड ट्रेंड रिवर्सल 5 PM में यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा ट्रेंड भी मिला होगा, एंड मॉर्निंग आवर के अंदर इनसाइड कैंडल के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट भी मिला होगा। देखिए, पिछले बार बार बताता हूँ कि नहीं, एक कॉन्सेप्ट को आप 500,000 बार ट्रेड ले लो कम क्वांटिटी में, सो दैट क्या होगा ना, आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा हाँ पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, इनसाइड कैंडल में थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है तो उसको ट्रेल करके लेके आना चाहिए, लेकिन हर एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ये मेक श्योर कीजिए। लेकिन अगर मार्केट को मूव करना है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो रहा है, तो हम लोग को बहुत सारे प्रॉफिट मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग में जितने लोग सेल किए होंगे, यहाँ पे जितने लोग कंटिन्यूसली रेगुलर फॉलो करते हैं, यहाँ से सेलिंग होने के साथ 5-6 कैंडल बनने के बाद उनको भी थोड़ा सा डर लग गया होगा कि नहीं यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, उन लोग भी थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न या फिर 5 मिनट में प्राइस एक्शन यहाँ पे देख रहे होंगे, या फिर 5 PM में नो डाउट यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड मिला होगा रिवर्सल के लिए। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जब आप एक्सपीरियंस धीरे धीरे गेन करोगे मार्केट के अंदर। अभी अगर हम लोग देखें, कल हम लोग डिस्कशन किए थे मार्केट फ्लैट खुले या थोड़ा अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज ए सपोर्ट, अगर फ्लैट खुलता है तो ये स्विंग क्रॉस करते ही साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए, एक अच्छा मोमेंटम रहा इसके अंदर। अगर अभी देखेंगे तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बाइंग के साइड दिख रहा है, देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको बाइंग के साइड दिख रहा होगा, नो डाउट 38,200-150 ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इमेजिन कीजिए 38,100 कल क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, लेकिन इसको 37,600 के बीच में होल्ड करना चाहिए, द टाइम इट विल क्लोज बिलो 37,600 अगर रेड कलर कैंडल बनके इसके नीचे क्लोज दे देता है, फिर हम लोग इसको सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, एक फ्रेश लो हो सकता है या फिर एटलीस्ट ये लो रिटेस्ट करने के लिए हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है या फिर इसी लेवल 38,000 के आसपास कहीं पे भी खुले, 38,100 क्रॉस करते ही साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम लोग का 38,000 के नीचे होना चाहिए या फिर 70-80 रुपये होना चाहिए, मिनिमम हम लोग का 1:2 टारगेट रहेगा। यहाँ पे एक लेवल टेस्ट कर चुका है मल्टीपल टाइम, 2 टाइम टेस्ट कर चुका है, लेकिन ये लो को सस्टेन करना चाहिए, कभी भी बायर अपने प्रीवियस लो को बार बार टेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर ये टेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ब्रेकडाउन हो सकता है। तो कल देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, अगर मार्केट को पॉजिटिव जाना है तो मार्केट थोड़ा सा 50-60 रुपए नीचे या फिर 100-150 रुपए के अंदर कहीं पे अगर ओपन होता है गैप अप तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है दैट टू बाइंग के साइड। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 37,800 के आसपास, थोड़ा सा फिर से सेलिंग का प्रेशर मॉर्निंग आवर में आ सकता है। तो चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी अगर देखें सिमिलर पैटर्न, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल हमको मिला होगा एक कंटिन्यू सेलिंग के बाद, एक यहाँ पे फिर रिवर्सल आया, रिवर्सल के बाद यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न अभी बाइंग के साइड दिखा रहा है, तो दैट मीन 17,150-120 ये लेवल सस्टेन करना चाहिए। तो आपको अगर मिडिल में ओपन हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको वेट करना है, आप एक स्ट्रैडल क्रिएट करके वेट कर सकते हो, कब तक वेट करना है, जब तक ये ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट ना दे दे, ब्रेकआउट दे दिया फिर आप डायरेक्शन प्लान कर सकते हो, लेकिन हो सकता है 11-12 बजे तक इसी रेंज में अगर बना रहा तो हम लोग को एक अच्छा टाइम डिके वैल्यू भी मिल सकता है। अगर मिडिल में कहीं पे खुलता है 37,200 या 220 इसी लेवल के आसपास अगर कहीं पे खुला, हम लोग का बाइंग का मोमेंटम इसके ऊपर ही प्लान होना चाहिए, 17,200-670 या 80 के आसपास हम लोग का बाइंग मोमेंटम यहाँ से हम लोग का ट्रिगर होना चाहिए, एंड 17,150 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। अभी अगर मार्केट 17,280 क्रॉस करता है तभी हम लोग प्लान करेंगे, एंड इसके नीचे 150 के नीचे अगर कहीं पे कैंडल क्लोज होता है तभी हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, मिडिल में कहीं पे अगर ओपन होता है तो फिर हम लोग का वो स्ट्रैडल और स्ट्रांगल का डे हो जाएगा, एटलीस्ट जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता। चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं, पहला स्टॉक है रिलायंस, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा मोमेंटम में क्लोज हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक सेकेंड लेग स्टार्ट हो रहा है, उसका स्विंग बहुत दूर है नो डाउट, लेकिन एक सपोर्ट के एरिया के आसपास है, तो यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। कंटिन्यूसली 3-4 दिन से सेलिंग के लिए आ रहा था रिलायंस, तो 2,360 के ऊपर या 5,800 के ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं इसको बाई करने के लिए, इसमें 8-9 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए और मिनिमम टारगेट हम लोग का 15-20 रुपीज हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, कंटिन्यूसली 3-4 दिन से मार्केट नीचे आ रहा है, आज यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाया है, बाइंग मोमेंटम था, तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाइंग मोमेंटम
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, 930 के नीचे मार्केट खुलना नहीं चाहिए। अगर इंडसइंड बैंक 930 के नीचे कहीं पर भी खुले, हम लोग इसको इमीडिएट इग्नोर कर देंगे। अगर इसके ऊपर कहीं पर खुलता है तो 938 क्रॉस करते ही साथ हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। 5 से 6 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का मिनिमम टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है ONGC, अगर देखेंगे थोड़ा सा एम पैटर्न टॉप के आसपास दिख रहा है, यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है, तो इसको अगर नीचे क्रॉस करता है तो 164, 163 ये सारे टारगेट इंट्राडे के अंदर भी आ सकते हैं। तो 166 या फिर 165 क्रॉस करते ही साथ हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए। 1 से 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है मैकडॉनल्ड्स, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे शार्प सेलिंग था, पुल बैक हुआ, अभी ये रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो 820, 830 ये लेवल बहुत क्रूशियल होने वाला है। क्या ये ब्रेकडाउन दे देगा और एक लो लगाएगा, या फिर इसी लेवल के आसपास फिर रिटर्न जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। हम लोग एटलीस्ट 435 टारगेट के लिए इसको प्लान कर सकते हैं। 846 अगर ये क्रॉस करता है तो हम लोग इसको सेल कर सकते हैं, या फिर 845 6 से 7 रुपये का या फिर 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट होना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चला लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, अभी इतना ही, थैंक यू।